दाऊद सन्स प्राइवेट लिमिटेड किस तरह जदीद मशीनों की मदद से मोस्ट रिलायबल और सेफ वेपन्स तैयार करती हैं और पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक को फराहम कर रही हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। यहाँ पर माहिर कारीगर जिनकी ज़िंदगियाँ गुजर गई वेपन तैयार करने में वो मौजूद हैं और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इम्तिजाज है, लेटेस्ट मशीन्स भी हैं लेकिन साथ ही साथ जो माहिर कारीगर हैं जो नस्ल दर नस्ल ये काम करते आए हैं वो फिर इनको तैयार करते हैं। एक तो विजुअल क्वालिटी चेक होता है, वो चेक करते हैं कि क्या ये वेपन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स है, ये क्लाइंट को जो चीज़ चाहिए मतलब रिलायबल सेफ्टी प्रोडक्ट है ये वो बन रही है कि नहीं। और आप देख सकते हैं ये तमाम तर जो माहिर कारीगर हैं आप इनकी ज़िंदगियां गुजर गई हैं वेपन्स तैयार करने में, इसको असेंबल कर रहे हैं, कोई सफाई कर रहा है और इवेंचुअली जो है अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ इनका काम करने का मैकेनिज्म दोनों तरीके से है। कभी असेंबली में कोई एक एक पार्ट को तैयार करके आगे भेजते हैं और कुछ ऐसे कारीगर भी हैं जो अकेले जो हैं पूरा का पूरा वेपन तैयार कर देते हैं। ये जो है ये एक पूरी शॉटगन तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर तैयार कर देते हैं। आइए आपको वो दिखाते हैं। मुख्तलिफ मिलिंग सेक्शंस और मशीन शॉप से जो पुर्जे आते हैं उनको सबसे पहले जो है सैंड ब्लास्टिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है। इसको शॉट ब्लास्ट भी कहते हैं क्योंकि सैंड की एक ख़ास किस्म है और उसको एक प्रेशर के साथ जो है इन पुर्जों के ऊपर से गुजारा जाता है। आप देख सकते हैं ये बिफोर सैंड ब्लास्टिंग एक पुर्जा है और इस पे शाइन आपको नज़र आ रही है, कुछ कुछ पोर्स नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा साफ नहीं है। तो इस प्रोसेस के बाद होता क्या है कि एक तो ये शाइन ख़त्म हो जाती है, एक मैट लुक आ जाती है, स्मूथ हो जाता है, हर हिस्से की सफाई हो जाती है और इसके बाद फिर इसको जो है एंडोनाइजिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है, वो भी हम आगे जाके आपको दिखाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कारीगर जो है वो सैंड ब्लास्टिंग के प्रोसेस को बगौर देख रहा है, जो जो मटेरियल अंदर रखा हुआ है ये अपने हाथों से जो है उसकी सैंड ब्लास्टिंग या शॉर्ट ब्लास्टिंग जिसको कहते हैं वो कर रहे हैं। आगे जाके ना एंडोनाइजिंग का एक प्रोसेस होता है, ब्लैक ऑक्साइड जो है वो इस पर अप्लाई की जाती है। आमतौर पर जो भी हम वेपन उठाते हैं वो काले रंग का होता है, ऐसा लगता है ये पाउडर कोट हुआ हुआ है लेकिन ये एक अलग प्रोसेस है, वो हम आपको दिखाते हैं किस तरह ये होता है। सो सैंड ब्लास्टिंग या फिर शॉर्ट ब्लास्टिंग के बाद जो दूसरा अहम मरहला होता है वो इसको इस तरह की काली रंगत देना होता है। लेकिन जिस तरह के एक पिस्टल या शॉटगन के अंदर मुख्तलिफ मेटल के कंपोनेंट्स होते हैं जिस तरह के एलुमिनियम है या फिर लोहा है, सो एलुमिनियम अगर होगा तो एलुमिनियम को सबसे पहले एनोडाइजिंग के प्रोसेस से गुजारते हैं। इस तरह इनके पास जो है अभी ये शॉर्ट ब्लास्टिंग के बाद इंटरनल कॉम्पोनेंट आया, अब ये इसको एनोडाइजिंग के प्रोसेस से गुजारेंगे। एक घंटे तक ये स्टब के अंदर रहेगा। एनोडाइजिंग के प्रोसेस से क्या होता है कि एलुमिनियम की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ये मजबूत हो जाता है और फिर एनोडाइजिंग के बाद जो है इसको शिफ्ट किया जाता है, काली रंगत दी जाती है जिस तरह के ब्लैक ऑक्साइड इस पर अप्लाई किया जाता है। अब ये इसको जो है एनोडाइज कर रहे हैं और फिर एनोडाइजिंग के बाद जो एलुमिनियम का मेटल है उसको यहाँ पर एनोडाइजिंग डाई के अंदर डाला जाता है, एक काली रंग की रंगत दी जाती है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि अब यही मेटल एनोडाइजिंग के बाद इस डाई से निकाला गया है और उसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसेस होता है ब्लैक ऑक्साइड का। ब्लैक ऑक्साइड में फिर इसको ये काले रंग की रंगत दी जाती है। अगर एलुमिनियम का मेटल होगा तो इस पूरे प्रोसेस से गुजरेगा और अगर लोहा होगा जिस तरह की ये स्लाइडर है तो ये सैंड ब्लास्टिंग के बाद डायरेक्ट ब्लैक ऑक्साइड से इसको गुजारा जाएगा। जिस तरह की एक और कंपोनेंट है उसको ब्लैक ऑक्साइड से गुजारें, इससे जो है एक तो वेपन खूबसूरत लगता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, रस्ट फ्री हो जाता है और फिर इसमें शाइन देने के लिए इसके ऊपर ऑयल भी अप्लाई किया जाता है और आखिर में इन तमाम तर कॉम्पोनेंट्स को असेंबली के अंदर रख के असेंबल कर दिया जाता है। आइए अब आपको पिस्टल की असेंबली भी दिखाते हैं।
शॉटगन तो हमने आपको असेंबल होते हुए दिखाया, इस वक्त हम मौजूद हैं इनके हैंडगन या पिस्टल के असेंबली हॉल के अंदर एंड द प्रोसेस द सेम। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन छोटी छोटी बास्केट्स के अंदर छोटे छोटे कॉम्पोनेंट जो हैं वो मौजूद हैं, जिस तरह के ट्रिगर हमने आपको बनते हुए दिखाया या फिर हैमर जिसको घोड़ा भी कहते हैं, जिससे बाकायदा तौर पर जो है वो बुलेट लोड होती है। इसके अलावा आप देख लीजिए कि जो इनका चैम्बर होता है उसको ऑफलोड करने के लिए जो बटन है, ये तमाम तरह छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स इनके पास यहाँ पर मौजूद होते हैं और इनको मिलाकर जो है ये फिर पिस्टल जो है असेंबल करते हैं। और असेंबल करने के साथ साथ जो है क्वालिटी चेक भी की जाती है। आप देख सकते हैं ये माहिर कारीगर हैं जिनके 20-30 साल के तजर्बे हैं बाकायदा तौर पर इन गन्स को बनाने के, इनको चेक करने के। सो एक पिस्टल जो है जनरली ये 20 से 25 मिनट के अंदर असेंबल कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसको फायरिंग रेंज पे लेके जाते हैं, इसका क्वालिटी चेक होता है। जिस तरह के आप देख सकते हैं हर गन का जो है ये बाकायदा तौर पे चेक करते हैं कि किस तरीके से वो उसकी एफिशिएंसी क्या है, वो परफॉर्मेंस सही दे रही है। सो हमने आपको दिखाया शॉर्ट गन्स कैसे बन रही हैं, हैंड गन्स कैसे बन रही हैं, आगे इनकी फायरिंग रेंज में लेके चलते हैं और वहाँ पर हम ख़ुद भी टेस्ट करते हैं और बाद में फिर आपको डिस्प्ले सेक्शन दिखाएंगे। The four original designs, बाकी लोग बनाते हैं लेकिन इट्स कॉपीज होती हैं। ये हमारा अपना डिज़ाइन है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी में ऑलरेडी इंडक्टेड है एंड ये इंशाल्लाह जो जल्द ही हम उनको सप्लाईज भी शुरू करेंगे। इसकी रेंज जो है दैट इज 2.2 किलोमीटर्स तो, और जिस तरह इसके नाम में ही शामिल है ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर है 320 से 350 राउंड्स पर मिनट ये फायर कर सकता है और दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए जो है ये मशीन जो है बिल्कुल तैयार हैं। सो आज के प्रोग्राम में जिस तरह कि हमने आपको दिखाया कि दाऊद सन्स आर्मी प्राइवेट लिमिटेड वन ऑफ द ओल्डेस्ट पाकिस्तान आर्म मैनुफैक्चरिंग कंपनी किस तरह मुख्तलिफ किस्म के जो है आर्म्स वेपन्स बना रही है, ये प्रोडक्ट्स जो है प्राउडली अमेरिका यूएई दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जा रही है। सो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि उन्हें चाहिए कि इस तरह की प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करें, इनको अपने अपने ममालिक में इम्पोर्ट करें, जिससे उनको ख़ुद भी फ़ायदा होगा और पाकिस्तान को भी ज़र्रे मुबादला मिलेगा, पाकिस्तान की बिज़नेस कम्यूनिटी भी सपोर्ट होगी और साथ ही साथ तमाम तर दुनिया की सिक्योरिटी एजेंसीज और फोर्सेस जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इस तरह के वेपन इस्तेमाल करती हैं तो उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है कि वो दाऊद सन्स की इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, अपनी स्ट्रेंथ को मज़ीद बढ़ाएं। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, अपने होस्ट सलमान खान और मेड इन पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।